नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बीएस चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग कोविड-19 वैक्सीन का सुई लिए हैं और सुई लेने के बाद आप लोग क्या करते हैं, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाने या प्रिंट करवाने के लिए आप लोग वसुधा केंद्र या सेवा कैंप में जाते हैं और जब वहाँ पे प्रिंट करके आप लोग को दिया जाता है वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जिनका वहाँ पे नाम गलती हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलती हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग सुधार किस तरह से करवाएंगे पूरी जानकारी में आप लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे, कहीं भी स्किप मत कीजिए। उससे पहले बताना चाहूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस के लिए, ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए इसमें आपको सुधार करवाने के लिए क्या दस्तावेज यानी क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जिस टाइम आप लोग सुई लिए होंगे उस टाइम आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी दिए होंगे, ज़्यादातर व्यक्ति जो है आधार कार्ड देते हैं, तो आधार कार्ड आप लोग को लगेगा सुधार करवाने में। वो भी कैसे, वो भी 2 मिनट में आप लोग सुधार करके दोबारा प्रिंट कर सकते हैं सही नाम से। ओके फ्रेंड्स, जिनका डेट ऑफ बर्थ और नाम गलती हो गया, ओके फ्रेंड्स, सिर्फ आधार कार्ड दे के वसुधा केंद्र में ही जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे कि मेरा नाम गलती है कोविड सर्टिफिकेट में। वो क्या करेंगे, आपका वहाँ पे आधार कार्ड लेंगे, अपलोड करेंगे, नाम सही करेंगे और वहाँ पे फिर से आपको प्रिंट करके सही नाम के जरिए आपको दे दिया जाएगा। और फिर किस तरह से करेंगे सुधार, मैं आप लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेके चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ। गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है कोविन। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर इन कर जाएंगे। डायरेक्टली आपको टाइप करना है गूगल ब्राउजर में cowin.gov.in, इस तरह से टैप करना है, इंटर करना है। तो जैसे इंटर करेंगे आप लोग कोविड-19 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इन कर जाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, सुधार करने के लिए आपको अब क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है रजिस्टर और साइन इन पे क्लिक करते हैं और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता है उस पर आप लोग वो नंबर देख के अपना OTP मंगा के अपना डाउनलोड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सुधार किस तरह से करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। ओके, तो यहां पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिलेगा सपोर्ट, यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इस सपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना। ओके, इस पे चलिए मैं क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे नीचे में देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ मिलेगा सर्टिफिकेट करेक्शन। ओके, तो सिंपली से आपको इस पे क्लिक कर देना है सर्टिफिकेट करेक्शन के ऊपर। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूं। तो जैसे उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां पे क्या करना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस टाइम आप लोग वैक्सीन सुई लिए थे उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ओके फ्रेंड्स, उस मोबाइल के ऊपर OTP जाएगा, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए पहले आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना, गेट OTP पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, 6 अंक का होगा। ओके फ्रेंड्स, उस OTP को आपको डाल देना है। ओके, तो चलिए मैं उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आ चुका है मेरे मोबाइल पे OTP और यहाँ पे चलिए मैं OTP फिल कर दिया। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं इस पर भी क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स आपके सामने आपके मोबाइल पे जितने भी व्यक्ति का वैक्सीन सुई लिए हैं वो सभी का यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हाइड किया हूँ सिक्योरिटी के लिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे नाम में गलती है राहुल कुमार, यहाँ पे देख सकते हैं राहुल ठीक लिखा हुआ है कैपिटल उसके बाद स्मॉल, यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल उसके बाद स्मॉल उसके बाद जो है कैपिटल फिर लिखा गया। इसको किस तरह से सुधार करेंगे, या नाम में जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम में जैसे कि कुमार के जगह देवी या देवी की जगह जैसे टाइटल में गड़बड़ी हो गया, टाइटल दूसरा टाइटल आ गया, नाम में बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया, तो इसको किस तरह से सुधार करेंगे यहाँ पे आना है आपको। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं करना। ओके, ऊपर में यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट करेक्शन पे क्लिक करना। ओके, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है ऊपर वाले ऑप्शन में, यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ करेक्शन इन माय सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नेम एज जनरल फोटो आईडी। तो यहाँ पे 3 चीज आप लोग सेलेक्ट सुधार कर सकते हैं, नाम, एज, जनरल यानी मेल फीमेल हो सकता है, मिसटाइप मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल हो जाएगा। तो उसके बाद फोटो आईडी भी सेलेक्ट सुधार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
जैसे कि अगर आप लोग आधार कार्ड दिए हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बताते हैं आप लोग को अपना नाम, जैसे कि गलती हो गया तो उसे कैसे सुधार करेंगे। ओके, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर दिखाई देगा, इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का नाम सुधार करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो चलिए मुझे ये राहुल कुमार का नाम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गलती है, राहुल ठीक लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे कुमार में कैपिटल स्मॉल दोनों आगे पीछे लगा दिया। ओके, तो चलिए मैं इसको सुधार करूंगा। ओके, तो सुधार करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो आईडी, यानी कि अपना आधार कार्ड जो दिए थे उस टाइम। ओके, तो चलिए मैं फिलहाल नाम सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा नाम यहाँ पे गलती है तो मैं चेंज पे क्लिक करूंगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लीगल जो आपका सही नाम है वो यहाँ पे टाइप कर लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले एक व्यक्ति का नाम सेलेक्ट सुधार किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको सरस्वती कुमारी देना था लेकिन सरस्वती देवी दे दिया था, तो मैं उसे सुधार करके यहाँ से निकाला था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि सुधार होता है या नहीं, 100% होगा, एकदम गारंटी के साथ मैं बताता हूँ 100%, वो भी क्विकली, सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे जैसे कि राहुल कुमार है तो यहाँ पे देख सकते किस तरह से लिखा हुआ है ये, और जो सुधार करेंगे उसके बाद देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राहुल, उसके बाद देख सकते इस तरह से किया मैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड फोटो आईडी, यानी कि आधार कार्ड अपना जो सही नाम है जिसमें आपका, वो यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना डॉक्यूमेंट जो था वो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, यहाँ पे जो लीगल नाम रहेगा वो सुधार करके यहाँ पे फॉर्म था अब टू करके यहाँ पे इस तरह से आएगा एडिट करने के बाद। ओके, उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते रिक्वेस्ट फॉर वैक्सीन सर्टिफिकेट, यू आर रिक्वेस्ट फॉर नेम चेंज हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सन ऑफ ऑफिसर फॉर फादर्स प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना। ओके, बैक आने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स जो कि मेरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि राहुल कुमार किस तरह से लिखा हुआ था और अब किस तरह से हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं लाइव में आप लोग को मैं बता दिया कि किस तरह से आप लोग अपना नाम सुधार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे शो सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप लोग अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उन लोग को भी सर्टिफिकेट में नाम या कुछ भी गलती हो गया, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या जनरल जो भी हो गलती हो गया, तो इसे सुधार कर सकते हो भी मात्र 2 से 3 सेकंड में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।